टू दिस सकल द ब्लॉक गाइज, आइए मैं आपको ले चलता हूँ फिर डाल्टनगंज शिवाजी मैदान में, और वहाँ आपको मैं आज एक लेटेस्ट कलाकार जो यूपी का है नेहा सिंह राठौर जी, नेहा सिंह राठौर जी का मैं कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा आज डायरेक्ट डाल्टनगंज शिवाजी मैदान में। तो चलिए मैं मंच की ओर ले चलता हूँ। हम प्रेम का जश्न मना रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं आजादी का। ये आजादी के 75वीं सालगिरह का मौका है, ठीक वैसा ही नहीं जैसा कुछ लोग कह रहे हैं। ये आजादी के 75वें सालगिरह का वो मौका है जो हमको भगत सिंह को याद करने का मौका फराहम करता है। है हमारे पास गीत जो भगत सिंह का अभिनंदन करें, जो भगत सिंह का स्वागत करें। चंद्रशेखर की कुर्बानियों की गाथा कौन गाएगा, टिप्टा ने ये जिम्मा उठाया है कि जब रिमोट से लहंगा उठाया जा रहा है तो हम चंद्रशेखर के गीत। नेहा जैसे मेरी बेटी होती तो मुझको बहुत गर्व होता। ऐसी बेटियां इतिहास की धार मोड़ा करती हैं और सत्ता से हाथ नाक डाल के सराय किया करती हैं। नागार्जुन ने इसलिए बेटियों के लिए कहा था कि मैं तुम्हारे बाल सुनना चाहता हूँ जिसमें इतिहास की गमक आती है। तो नेहा तुम यहाँ हो, तुम्हारा बहुत स्वागत है। तुम्हारे साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, और जब सच और झूठ का इतिहास लिखा जाएगा तो तुमको इज्जत के साथ याद किया जाएगा। शुक्रिया नेहा होने के लिए। प्रणाम करता नहीं सबसे पहले रहुआ लोगों के क्या हाल चाल है? बढ़िया बा, बढ़िया बा। नहीं नहीं जगह के हमरा के बहुत अच्छा लगा था। हम तो 8 बजे से बहुत एक्साइटेड थे कि जाना है कार्यक्रम में, जाना है। बीच में बारिश हो गई तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डाल्टनगंज में दूसरी बार आई हूँ। भोजपुरी बुझा वाला सबके, तो भोजपुरी में बोला था नहीं तो पिछला साल भी आयल रहनी हम, एगो फिल्म का शूटिंग रहा है जबकि डाल्टनगंज में भइल रहे बिहार डायरीज का, तो वो टाइम पहला बार आयल रही, अबे दूसरा बार आयल बनी। बहुत अच्छा लगेगा हमके डाल्टनगंज का, एक इधर बड़ा पहाड़ देखे के मिलेगा हमारा के, पहाड़ बड़ा नेचर बड़ा पसंद है। तो बहुत अच्छा लगा था आप लोगों का प्यार देख के, बहुत करेजा जुड़ा गई बा। और बहुत ज्यादा बात नहीं करब, सीधे हम गीत पावत बनी। कौन गीत सुने के बारे हुआ लोग बताएं। गीत हमको पता रहे, लेकिन ओकरा से पहले एगो गीत सुने में के बाद यूपी में काबा सुनाए। ये ठीक बा ना? ए जगह सामने बहुत सारे युवा लोग बैठल बा, और आज के युवा बेरोजगार बा। गीत तो एगो बेरोजगारी को होके के चाहिए। अरे भीख नहीं हम सरकार मांगीला, आप लोग भी लेकिन गाएंगे मेरे साथ तब मुझे अच्छा लगेगा। डर मचा देगा लइका। अरे भीख नहीं हम सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नहीं हम करोड़ नौकरी देने के रहे वादा।
रोजगार दो हमके चाहिए ना कुछ Yeah.
आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं और आप लोगों को देख करके मेरी भी बैटरी दोगुना चार्ज हो गई है। मैं एक और गीत सुनाती हूँ आप लोगों को, किसान गीत सुनाती हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगारी का गीत गाती हूँ जी। मैं बेरोजगारी के गीत लिखती हूँ, महंगाई के गीत लिखती हूँ, युवाओं का दर्द, मजदूरों का दर्द, किसानों का दुख। तो मैं इस मंच से एक किसान गीत सुनाना चाहती हूँ। मेरे गीत से बहुत शायद मनोरंजन आप लोगों का ना हो पाता हो, लेकिन मैं मुद्दों के ही गीत गाती हूँ और आगे भी वही गाऊंगी। किसान गीत में सुनाती हूँ। भादो आषाढ़ चाहे जेठ के धाम के हो बूझे नहीं, भादो आषाढ़ चाहे जेठ के धाम के हो बूझे नहीं, हो पर हो महीना नहीं करे आराम के हो बूझे नहीं, भादो आषाढ़ चाहे जेठ के धाम के हो बूझे नहीं, भादो आषाढ़ चाहे जेठ के धाम के हो बूझे नहीं, हो पर हो महीना सम्भी मौका ना हुआ सही।
और दोस्तों इस तरह कार्यक्रम ये आज के यहीं समाप्त हो गई, क्योंकि बारिश होने के कारण न्याय सिंह रावतर की पूरी प्रोग्राम नहीं देखा जा गया और बीच में ही ब्रेक कर दिया गया। चलिए मैं यहीं आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। आशा करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।